नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर इलाके में विगत दिवस एक शराबी युवक को रात में कुछ लोगों द्वारा पीट पीट कर मरणासन कर दिया था और बेहोशी की हालत में उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए थे। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पीआरबी 112 के पुलिसकर्मियों ने घायल रखकर रंजित अवस्था में पड़े युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहाँ इलाज के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई थी तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506 के तहत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर इस मामले में 2 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय पेश करते हुए जेल भेज दिया है। तो वहीं ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार कोई करता है तो उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें पार्वती जी ने सूचना दिया था कि कुछ लोगों के द्वारा उनके बेटे को पीट पीट करके मार दिया गया है। उसी में जैसे सूचना मिली थी काल खड़ाव में विरोध पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जो इसमें शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार किया गया था। इसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो मृतक है उसके द्वारा शराब का सेवन करके कुछ गाली गलौज जो है वो किया जा रहा था। इसमें अप्पी नाम की एक महिला है जिनके यहाँ गाली गलौज टाइप का जो है ये कर रहा था। उनके द्वारा जो है सुरेंद्र महाराज और अपने परिवारजनों को इसकी सूचना दी गई थी कि इस व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज जो है की जा रही है। तो इन सब ने जो है एक राय होकर के जो मृतक है उसको लाठी डंडों से पीटा था। साथ ही इसमें से किसी एक के द्वारा जो है उसके सीने पे भी जो है पैर से मारा गया था, चोट पहुंचाई गई थी जिसके वजह से उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी। इसमें 6 लोगों को जो है जो इस घटना में शामिल थे 6 लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है और इन सभी को जेल जो है वो भेजा जा रहा है। इनमें से मुख्य नाम जो है वो नंदलाल हैं, गीताबाई हैं, असरफी और अप्पी हैं, बबलू हैं और दुर्पाल सिंह हैं और सुरेंद्र सिरोठिया हैं। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही पूरे जनपद में सभी लोगों से आग्रह भी है कि कोई भी व्यक्ति जो है खुद कानून अपने हाथ में ना ले। यदि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई जो है वो उसके खिलाफ की जाएगी। जो भी बात होती है तो वो पुलिस को बताइए, पुलिस के द्वारा जो है उसका निराकरण जो है किया जाएगा। अभी जो ये इसका तात्कालिक कारण जो था वो केवल आपस में गाली गलौज देने की वजह से जो इसमें आरोपी गण है उनके द्वारा उसको मारा पीटा गया है। अन्य जो बिंदुएं हैं इसमें सबकी भी हम लोग जो है जांच जो है वो कर रहे हैं।